हेलो फ्रेंड्स, कलराव स्कूल हालोल प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। दिस इज जॉडीज फॉर्म। जॉनी इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। ओके, ही इज द मैन कैरेक्टर, मैन पर्सन ऑफ दिस लेसन। एंड ही इज फॉन। फॉन मीन्स हिरन का जो छोटा सा बच्चा होता है, दैट इज कॉल्ड फॉन। सो दिस इज एन, यू कैन से दिस इज वन काइंड ऑफ इमोशनल स्टोरी दैट टॉक्स अबाउट द बॉन्ड बिटवीन जॉडी एंड द फॉन। ओके, हुज मदर वॉज किल टू सेव जॉडीज फादर्स लाइफ। सो इट सो हैपन दैट जॉडीज फादर वॉज बीटन बाय अ रैटल स्नैक टू सेव हिमसेल्फ। ओके, पैनी, जॉडीज फादर, द नेम ऑफ द जॉडीज फादर वॉज पैनी, हु हैड किल डॉय एंड यूज्ड हर हार्ट एंड लीव्ड टू ड्रॉ आउट ऑफ द पॉइजन। सो जॉडी वॉज अपसेट थिंकिंग अबाउट द फॉन हु वॉज अलोन इन टू द फॉरेस्ट एंड हैड नो वन टू टेक केयर ऑफ इट। सो दिस इज, यू कैन से इमोशनल स्टोरी रिलेटेड, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉडी एंड फॉन। ओके, नाउ स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट दिस लेसन। इन दिस स्टोरी, हियर गिवन अबाउट द एक्सप्लेनेशन, इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर वॉज सॉरी हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नैक। जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय आउट द पॉइजन, और उसके लिए ही क्विकली किल्स अ डॉग। हिरन की एक जो फीमेल हिरन होती है उसको मार दिया जाता है। इट वॉज किल्ड बाय हिम, क्योंकि उनके लिए वहाँ से जहर जो होता है वो उसका निकालने के लिए उसके लीवर की ज़रूरत थी। तो जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो जॉडी वॉज फेल्ट वंडर कि उसके जो हिरन का बच्चा है उसके साथ क्या होगा, विच काइंड ऑफ द सिचुएशन ही विल बी फेस्ड। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग इन द माइंड ऑफ जॉडी। सो वॉट इज देयर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर लेसन। ओके, जॉडी अलाउ हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। ओके, जॉडी जो है अलाउ हिज थॉट्स मीन्स ही टुक्स हिज थॉट्स टूवर्ड्स द फॉन। उसका जो ध्यान था वो हिरन के बच्चे की तरफ ही जा रहा था। हिज थॉट्स वॉज ड्रिफ्टिंग बैक टू द फॉन। He could not keep it out of his mind. He could not keep his mind to climb. Okay, उसके अब उसको हिरन के बच्चे की thought को he could not came out from the thought of the fawn. Okay, वो अपने मन से वो निकाल नहीं पा रहा था। He had held it. Okay, तो in his dreams और उसके सपने में भी वो चीज़ें आ रही थी। He held means he had held it. जो चीज़ें वो सोच रहा था वो उसके सपनों में भी आ रही थी। इन हिज आर्म्स, ओके, उसके हाथों के अंदर। ही स्लीप्स फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। ओके, एंड आफ्टर दैट ही वेंट, ही केम वॉज स्लीप्ड, तो उनके फादर के जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे वो जाकर पैनी वॉज द नेम ऑफ जॉडीज फादर। ओके, ले एट रेस्ट, और वो उनको रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको रैटल एक सांप ने काट लिया था। ओके, तो उनकी वजह से उनका जो इलाज चल रहा था उसके लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोला गया था। तो ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन हिज बेड। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेक्टेड। और उनकी जो पैनी जो थे वो आराम से लेटे हुए थे। ही वॉज लेइंग ऑन टू द बेड ओनली एंड हिज आइज वर ओपन। ओके, उनकी आँखें जो खुली थी, इट वॉज क्लियर। ओके, लेकिन एकदम साफ थी, लेकिन उनकी जो पुतलियाँ थी, आँखों के अंदर की जो पुतलियाँ थी वो अभी भी काली और फैली हुई थी। ठीक है, क्योंकि जहर का असर अभी तक थोड़ा बहुत था। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। जॉडी आस्क्ड हिज फादर, हाउ डू यू फील राइट नाउ। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन
thrilling as well, but wasn't it close shave? Okay, तो उसने उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बढ़िया मैं फील कर रहा हूँ. ओल्ड डेथ मीन्स जो पुरानी जो मौत थी वो किसी और जगह पर चोरी करने के लिए चली गई है. ओके, थ्वेलिंग एल्सवेयर मीन्स चोरी करने के लिए कहीं और चली गई है. लेकिन वो बाल बाल बच जैसा हो, मैं बहुत बाल बाल बच गया. ओके, बहुत ही क्लोजली मौत जो थी वो मेरे पास आकर निकल गई. जॉडी रिप्लाइड हिम, आई एग्री. जॉडी वॉज एग्रीड विद इट विथ इट्स स्टेटमेंट. पैनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हैड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. इन फैक्ट जॉडी वॉज अ वेरी स्मॉल किड, दैट्स वाई ही टू हिज सन दैट मुझे आपके ऊपर गर्व है कि तुम किस तरीके से शांत रहे और पूरी सिचुएशन को तुमने हैंडल किया. एवरी थिंग यू हैंडल दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुली एंड फॉर दैट आई वॉज प्राउड ऑन यू. जॉडीज फादर पैनी टोल्ड टू जॉडी. ओके, तो वो कुछ कहने के लिए आया था. ओके, एक्चुअली जॉडी केम हियर टू से समथिंग टू हिज फादर. सो ही फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वॉज गेटिंग लिटल बिट हेजिटेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट ही उन्होंने थोड़ा करेज इकट्ठा किया और वो बोलने की कोशिश करता है. तो वो कहता है पा, उस फादर रिप्लाइड यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉय एंड द फॉन? ओके, तो वो कहता है रिकलेक्ट मीन्स आपको याद आ रही है उस हिरन की, डॉय मीन्स हिरन और उसके बच्चे की आपको याद आ रही है. तो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर यू कैन से दिस इज जॉडी. ओके, स्मॉल लिटल बॉय एंड हिज फादर पैनी एंड दे बोथ वर टॉकिंग विथ ईच अदर. ओके, सो हिज फादर रिप्लाई आई कैन नेवर फॉरगेट देम. ओके, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मतलब मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता. इन माई लाइफ आई विल नॉट, आई कैन नॉट फॉरगॉट देम. द पुअर डॉ सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. पुअर डॉ मीन्स बेचारे हिरन ने मुझे बचा लिया, ये बहुत ही सर्टेन है, बहुत ही पक्की बात है. पा, द फोन मेड बी आउट देयर येट. ओके, वो कहता है कि वो हिरन का बच्चा तो बेचारा अभी तक वहीं पे होगा जंगल में, क्योंकि हिरन को हमने मार दिया तो वो वहाँ पे होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैड. इट माइट बी हंग्री, हंग्री मीन्स भूख लगना. ओके, और स्कैड मीन्स डरा हुआ होना. तो ही माइट बी हंग्री एंड I took the worry about him. I suppose so. His father replied, I suppose so means मुझे भी ऐसा लग रहा है. पा, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go see if I can find and find the phone? Okay, here Jody show his wish towards his father के I am a big boy now, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहाँ पर जंगल में जाऊँ और शायद मुझे वो बच्चा मिल जाए. ओके, एंड ब्रिंग इट हीयर, और क्या, और तू उसे यहाँ ले आऊँ. एंड रेज इट, और उसको मतलब रेज इट मीन्स उसका पालन पोषण करो, उसको उसकी केयर टेक करो, बिकॉज देर इज़ नो वन टू टेक केयर अबाउट हिम. सो कैन आई रेज इट, मैं उसका पालन पोषण कर सकता हूँ. पैनी ले क्वाइट, पैनी जो है वो शांत लेटा रहा. स्टेरिंग एट द कैलिंग सीलिंग, सॉरी वो जो छत थी, सीलिंग मीन्स छत जो थी, उसको उसके ऊपर एक लटकती एक तख्ती थी, उसके ऊपर वो देख रहा था. बॉय यू हैव गॉट मी हैमेंड इन. ओके, वो कहता है कि तुमने मुझे ऐसी कंडीशन में डाल दिया है. हैमेंड इन मीन्स ऐसी कंडीशन के जहाँ पे वो ना नहीं कर सकता, ठीक है, वो चाहते हुए भी ना नहीं कर सकता. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. पा, इट विल्स soon start eating leaves and eating links and acorns. Okay, acorns means the small brown nuts. Okay, so वो कहता है कि उसका पालन पोषण करने में ज़्यादा खर्च नहीं होगा. We didn't have spend eating
ब्राउन नट्स जैसे वो सब खाता होगा, तो मैं उसके लिए अरेंज कर दूंगा, आई विल मैनेज एवरीथिंग फॉर हिम। ओके, यू आर द स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, हिज फादर गॉट प्राउड ऑन पैडी दैट यू आर द सॉरी जॉडी दैट मुझे तुम अपने जो उम्र के बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को मार डाला है और इसमें इनका दोष नहीं था, बराबर, विदाउट एनी गिल्टी गिल्ट वी किल्ड हर मदर। ओके, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट स्ट्रीव, सन आई कान से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। ओके, तो हियर हिज फादर रिप्लाइड टू, ओके, के पक्का हम उसके, अगर उसको हम मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ख़राब बात होगा, मैं तुमको मना भी नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे दिन देखने के लिए भी ज़िंदा रहूँगा। हिज फादर फेल्ट वेरी गिल्ट टू किल्ड अबाउट, बिकॉज इफ ही डिडंट किल्ड हिम हिज लाइफ विल नॉट बी लॉन्गर फॉर हिम, सो दैट्स वाई दिस वॉज द सिचुएशन इन विच दे बोथ वर fallen down and they both were discussing how to came out from the situation and how to save the fawn. Okay, so they were discussing about that. Can I ride back with the mill wheel and to see if I can find it. Okay, तो मैं मील व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए. Can I find it? Okay, tell your ने तो कह दिया कि तुम जा सकते हो. ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. ओके, स्लाइडेड बैक टू द टेबल मीन्स वो धीरे से पीछे चला गया और टेबल के ऊपर बैठ जाता है. हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन, हिज मदर ब्रिंग द कॉफ़ी फॉर एवरी वन. पॉरिंग मीन्स जैसे किसी एक लिक्विड चीज होती है जिसको दूसरे में हम डालते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉरिंग. तो वो डाल रही थी कॉफ़ी सबके लिए. He said, Ma, pass is I can go to bring back the fawn. He requested to his mother that मेरे पापा ने कहा है कि मैं उस बच्चे को ला सकता हूँ. She held the coffee pot in a mid air. वो कॉफ़ी देने जा रही थी और बीच में ही वो रुक जाती है उसकी ये बात सुनकर. What fawn? कौन सा बच्चा? The fawn belonging to the doe we killed, he replied. Jody replied to his mother, वही बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया है. वी यूज टू डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट ऑफ द पॉइजन टू सेव पा, और उसकी जो लीवर था उसको हमने अपने जो फादर है मेरे फादर है उसका जो पॉइजन है वो निकालने के लिए हमने यूज़ किया था. शी गैस्प्ड, गैस्प मीन्स ऊँडी सांस लेना, तो उसने गैस्प किया और फिर उसने कहा वेल फॉर पिटी सेक. ओके, तो उसने क्या किया, अच्छा दया करना चाहते हो तुम उसके ऊपर. पासेस इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप, पापा ने उसने कहा कि उसको वहाँ पे मरने देना ये बहुत ही ख़राब चीज़ होगी. वी कुडंट डू लाइक दैट. ओके, डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. ओके, डॉक विल्सन जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि यस यू आर राइट, कि आप सही है, इस दुनिया के सॉरी एंड उसका फादर भी सही बोल रहा है. मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, मिल विल सेड कि वो मिल विल ने कहा कि वो मेरे साथ घोड़े पे वापस आ सकता है. आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, आई विल हेल्प हिम, बराबर, मैं उसकी मदद करूँगा उसको ढूंढने के लिए. सी सेट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली, और उसकी माँ जो है वो नीचे बैठ जाती है और वहाँ पे उसके बर्तन मतलब कॉफ़ी का जो कप था वो वहाँ पे रख देती है. वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो वहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो तुम अपने हिस्से का अगर दूध उसको दे दोगे तो हमारे पास उसको खिलाने के लिए और तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे हम जाके खिलाएंगे क्या, बराबर, खाली दूध ले जाना पड़ेगा वहाँ पे. मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट
टू गेट राइडिंग। और उसके बाद वो कहता है कि चलो हम घोड़े पर बैठकर जाते हैं। राइड मीन्स घुड़सवारी करना, दैट इज मिलविल टोल्ड टू द जॉडी। माँ बक्सटर आस्क्ड एनेक्सियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। उसकी माँ बास्कर जो थी उसने एनेक्सियसली, एनेक्सियसली मतलब बहुत ही उत्सुकता से उसको पूछा कि तुम बहुत दूर तो नहीं जाओगे ना। ओके, उसको ढूंढने के लिए जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं डिनर से, रात के खाने से पहले मैं पक्का लौट आऊँगा, आप मेरी टेंशन मत लो। एक्चुअली हिज मदर वॉज वरीड अबाउट हिज सन, क्योंकि वो जंगल में जा रहा था उसको ढूंढने के लिए। मेलविल माउंटेड हीज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल जो था वो घोड़े पर बैठ गया और जॉडी ने वो जॉडी को अपने पीछे खींच लिया। स्टील देयर, वो अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम, क्या आप मुझे उसको ढूंढने में, विल यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे। ओके, ही रिप्लाइड, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स ही, तुझे कैसे पता कि वो ही है, मतलब शी भी हो सकता है वो। द स्टेप्स वर द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन डॉ फाउन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। और वो कहता है कि उसको कैसे तुमको पता कि वो ही है, शी भी हो सकता है। तो वो कहता है कि उसके शरीर के ऊपर जो डॉट्स लगे हुए थे, ठीक है, वो सीधे थे बराबर। और वो मेरे पापा ने, मीन्स माई फादर टोल्ड मी दैट जो जो हिरनी हिरनी जो फीमेल होती है वो अलग अलग डिरेक्शन के अंदर उसके ऊपर स्पॉट होते हैं, और जो बॉय होता है मतलब कि जो मेल होता है उसको सीधे डिरेक्शन में होते हैं। तो दैट्स वाई आई कैन से कि वो एक मेल ही होगा। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर वन अबाउट दिस इज़ जॉडीज फॉन। ओके, जो उसके फादर को जो प्रॉब्लम होता है सांप काटने की वजह से, उसको एक हिरनी का जो लीवर चाहिए होता है जिसकी वजह से वो पॉइजन निकाला जाए और जो मार देते हैं, और उसके बाद उसका जो बच्चा होता है फॉन होता है उसकी क्या हुआ होगा, वो टेंशन में आ जाता है। उसका जो लड़का होता है जॉडी वो, और उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। विल ही फाइंड द जॉडी और नॉट, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट नंबर। सो टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन अबाउट पार्ट नंबर वन। ओके, दिस फोर क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, यू कैन सी दिस वन। ओके, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड रिलेटेड टू दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पार्ट टू। ओके, बाय, टेक।